गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ जियो का चैप्टर एग्रीकल्चर के बारे में। इसमें एक मूवमेंट है भूदान ग्रामदान मूवमेंट। सो गाइस अभी इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस विनोबा भावे जो गांधी जी बोलते गए थे वो उसने पूरा किया है। वो कैसे वो मैं आपको बताता हूँ गाइस। वो पद यात्रा चले है, वो एक मूवमेंट में गए थे। वहाँ मूवमेंट का वो जगह का नाम बताता हूँ आपको, कुचमबली आंध्र प्रदेश में है वो। तो गाइस उधर उनके जो लैंडलेस फार्मर्स थे उनके पास लैंड नहीं थी और वो लैंड उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्हें डिमांड रखी थी कि हमको लैंड चाहिए। पर जो अपने भावे उन्होंने बोला कि मैंने कोई लीडर से गवर्नमेंट से बात की, उन्होंने तो उन्होंने फिर बात की तो फिर उनको थोड़े बहुत लीडर्स मिले और उसमें से कोई उसमें से वो एक था रामचंद्र और रेड्डी। तो उसमें उन्होंने उनके पास 80 एकड़ लैंड थी, उन्होंने वो 80 लैंड फार्मर्स को दे दी। हाँ सारी सारी लैंड दी उन्होंने फार्मर्स को। तो फिर उनके लिए फार्मर्स के लिए थोड़ा फार्मर्स अच्छा होगा, ऐसे बहुत लैंड फार्मर्स थे। तो फिर ऐसे और थोड़े बहुत लीडर्स उन्होंने थोड़ी बहुत लैंड दी, ऐसे और थोड़े जमींदार आए उन्होंने जमीन दान करी बहुत सारी, थोड़ी रिस्पेक्ट बढ़ जाए, इज्जत बढ़ जाए, ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत समझ के। फिर बात करें तो अब गाँव में उन्होंने आधे आधे पूरे पूरे गाँव दान कर दिए वो जमींदार को, सॉरी लैंडलेस फार्मर्स को। फिर ये इसमें खून खराब कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे एक एक जमीन का टुकड़े के लिए लोग लड़ते इतना, पर इसमें कुछ खून कोई लड़ाई कोई कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आइए आपको पसंद आएगा।